हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल मेक ओवर हर्ट। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट हेयर स्पा के रिजल्ट। आप देख सकते हो इस वीडियो में, इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाओगे कि हम हेयर स्पा कैसे करते हैं। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल मैंशन देयर। सो गाइज, सबसे पहले हम हेयर को वॉश करते हैं। वॉश हम इसलिए करते हैं गाइज, बिकॉज स्पा आपके वर्ड में ये चीज़ें छिपी है, सैनस पर एक्वम, इसका मतलब है ये ट्रीटमेंट हम पानी और क्रीम से करते हैं। सो हम पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के दौरान हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाती है, सो दैट जब क्रीम हम अप्लाई करें तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो पाए। सो हम यहाँ पे लॉरियल की स्पा यूज़ कर रहे हैं एंड हमने अकॉर्डिंग टू हेयर क्रीम निकाल लिया है बाउल में। आप भी सेम प्रोसेस कर सकते हो एंड देन आई एम एडिंग सम एम्प्यूज नाउ। अभी हम सेक्शन बाय सेक्शन, गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होती है, क्या हमें हेयर को ड्राई करनी होती है? नो, अ बिग नो। आपको ये ट्रीटमेंट गीले बालों में करनी होती है, वेट हेयर में करनी होती है। सो आपको यहाँ पे सिर्फ हेयर वॉश करके, नाउ सेक्शन बाय सेक्शन करके, हम इसे पतली पतली सेक्शन जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है क्रीम एंड देन इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई मतलब जैसे आप देख रहे हो एक हेयर की स्ट्रिप को हम काफ़ी टाइम तक ऊपर से नीचे कर रहे हैं, इट मीन्स ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है। नाउ आपको सेम प्रोसेस करनी है गाइज, अगर आप ओवरऑल पूरे स्कैल्प में एक साथ लगा लेते हो तो गाइज वो स्पा के अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे कभी भी। सो आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करो, क्यूटिकल्स ओपन होने के बाद ही हमारे हेयर ड्राई एंड रफ नज़र आते हैं गाइज। तो आपको स्पा से क्या होता है, हमारे क्यूटिकल्स को क्लोज हो जाते हैं जिससे हमारे हेयर में शाइन आती है। आपने देखी होंगी जब आप हेयर ड्राई करते हो या आयरन करते हो तो आपके हेयर काफ़ी शाइनी एंड स्मूथ हो जाते हैं। सो स्पा से भी हमारे क्यूटिकल्स क्लोज होते हैं जिससे हमारे हेयर काफ़ी शाइनी एंड स्मूथ लुक आती है। तो गाइज आप देख रहे हो हम प्रॉपर पतली पतले सेक्शन लेके हम इसे क्रीम अप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, अगर आप ये ट्रीटमेंट प्रोफेशनल से लेते हो तो आपके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएगी, नो डाउट। अगर आप घर पे करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन लेके करनी होंगी। क्लाइंट को मसाज देनी होती है गाइज। स्पा एक रिलैक्सिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपको मसाज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को फील आना चाहिए, यू नो, रिलैक्स होना चाहिए, उनको नींद आनी चाहिए। तो ये स्पा इसलिए हम करते हैं सो दैट हम रिलैक्स हो पाएं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइज कि हम मसाज कितने टाइम तक लेंगे। तो गाइज आप 5 to 10 minutes मसाज दे सकते हो एंड देन मसाज देने के बाद आपको स्टीम देनी है। बट गाइज स्टीम आपको डायरेक्ट नहीं देनी है, आपको शावर कैप दे के देन आपको स्टीम देना होता है। डायरेक्ट आप हेयर में अगर स्टीम दोगे तो आपकी मॉइस्चर लेवल वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, बट हमारा यहाँ पर्पस है आपके हेयर में मॉइस्चर ऐड करना। सो आप शावर कैप लगा के स्टीम देंगे जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो स्टीम। गाइज अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होती है अगेन कि हम स्टीम कितने टाइम तक देंगे। तो गाइज आप स्टीम 5 to 10 minutes दोगे अकॉर्डिंग टू हेयर। हेयर अगर आपके थिन है, पतली है, तो आप स्टीम 5 to 7 minutes दोगे, दैट टाइम इज इनफ। एंड अगर आपके हेयर थिक है एंड डेंसिटी है हेयर में काफ़ी, तो आप 10 to 12 minutes दोगे। आफ्टर कम्प्लीटिंग स्टीम प्रोसेस आपको 5 minutes एज इट इज़ क्लाइंट को छोड़ देना है। आपको वहाँ पे टच नहीं करना है कुछ भी, बिकॉज टेम्परेचर अभी वो नॉर्मल होने में उन्हें 2 to 5 minutes लग जाते हैं। सो आप नॉर्मल टेम्परेचर होने का वेट करोगे एंड देन आप शावर कैप रिमूव करोगे। अगेन आप मसाज दे दो क्लाइंट को, इससे क्या होगा, क्लाइंट के स्ट्रेस लेवल कम होगा, वो ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगी। सो गाइज वी आर इन टू आवर लास्ट स्टेप। आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल दिस प्रोसेस आपको क्लाइंट के हेयर वॉश करने हैं। हेयर वॉश आप नॉर्मल टैप वाटर से करोगे, यहाँ पे हम गर्म पानी यूज़ नहीं करेंगे। हम यह नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करके क्लाइंट को फिर चेयर पे बिठा देंगे। देन हम ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे। गाइज ब्लो ड्राई आपको डाउनवर्ड्स की तरफ करना है, ऑलवेज रिमेंबर। आपको जैसे तैसे ब्लो ड्राई नहीं करनी है क्योंकि अभी क्यूटिकल्स क्लोज हुई हैं, हमें उसे ओपन नहीं करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो वर्थ लगी हो, समझ में आई हो, आपने इस वीडियो को इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर कमिंग वीडियोज़।
एंड गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं वहाँ पे ज़्यादातर एक्टिव रहती हूँ। सो गाइज आई होप यू एंजॉय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।